ज्यादा जब कसीदे कर दिए जाते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि कौन बोलने वाला है <laughs> ये कौन है <laughs> <चांटा> ही नहीं। <laughs> तो अब इतना ज्यादा मतलब मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ पांच दस मिनट तो मैं भी बोल सकता हूँ और क्या क्या करते हैं और मनोबल तोड़ते हैं कैसे लोगों का <laughs> <laughs> तो ठीक है आज अपन ऐसा ही कुछ करेंगे तो मुझे ना सबसे सब पहले आपसे ये पूछना है किताब किताबे बात की बात है मैं अभी ये नहीं समझ पाता हूँ कि जितने लोग इंजीनियरिंग हैं ये उसके बाद एम क्यों करते हैं और एमबीए करेगा फिर किताब क्यों लिखते हैं आप बताइए आपने भी यही किया है तो इसके पीछे कारण तो क्या है, है? <laughs> ये बहुत ही अच्छा सवाल है और काश कि मुझे इसका सही जवाब पता होता <laughs> <laughs> क्योंकि जैसे जैसे मेरा तो बीटेक के बाद में मैं अपना जैसे मुझे सबका तो नहीं पता कि वो ट्रेंड क्या है और कैसे लोग करते हैं लेकिन जैसे बीटेक के फाइनल ईयर की बात है 2005 की बात है और मैं गया था बनारस उसमें पिताजी की पोस्टिंग हुई थी ये बताने के लिए कि अब मैं इंजीनियरिंग छोड़ रहा हूँ है ना लेकिन वहां पे अस्सी घाट में दो चार दिन जब बैठा तो ये कुछ ये हुआ। मैंने कहा में छोड़ना तो, तो यही था कि है। बी, भी हमारे लिए बी ए बी एस सी टाइप ही था जैसे होता है ग्रेजुएशन फॉर्म भरने के काम आएगा उससे ज्यादा क्या उसकी औकात है क्योंकि नौकरी तो हमारे मिलती नहीं थी तो वो मैं कंफ्यूज बालक था अपने कॉलेज में जिसने ये एक चीज बहुत अच्छी हुई थी फिगर आउट कर लिया था कि लिखने में कुछ तो मजा आता है क्योंकि प्ले व्ले किए हमने कुछ ज्ञान चतुर्वेदी की कहानियां उड़ाई मैंने और उनको बिना बताए कभी जैसे आज मेरे से कोई परमिशन मांगता है मेरे थिएटर का कुछ करने के लिए तो मुझे लगता है परमिशन क्यों मांग रहे हैं तो बिना बताए कर लो पता ही ना चले अगर मांगोगे तो दूंगा नहीं ऐसा <laughs> <laughs> तो है तो उस समय किया लेकिन एक एक वो थ्रेड हो गई कि यार कुछ लिखने में गुंजाइश है लेकिन ये नहीं लगता था कि कोई करियर हो सकता है फिर उसके बाद निकले तो मैं सेक्टर सोलह नोएडा वोएडा में खूब घूमा बहुत सारे मैंने वॉक इन दिए जो उस समय प्राइवेट कॉलेज के लड़के करते थे और कुछ जगह नकल वकल मार के मैं मैं इधर से भी देख लेता था इधर से भी देख लेता था मेरे रिटर्न मेरे क्लियर हो जाते थे है ना दोनों तरफ लेकिन इंटरव्यू में जब वो पूछते थे ना कि फाइव ईयर डाउन द लाइन आपका क्या प्लान है टेन ईयर्स डाउन द लाइन क्या प्लान है वो मुझे समझ ही नहीं आता था कि इसका क्या जवाब देना है और मैं हमेशा मतलब आप सोचो जो चार साल इंजीनियरिंग की आदमी जिसने उस इंजीनियरिंग के लिए दो साल कोचिंग की मतलब छह साल के बाद एक आदमी मार्केट में उतर रहा है और उसको डर है कि उसका इंटरव्यू टेक्निकल ना हो जाए मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है तो फिर मुझे लगा कि अब जो प्रोबेबल ऑप्शन है वो दो ही चीज़ें इस देश में एक तो या तो यूपीएससी की तैयारी करी जाए या फिर कुछ छोटा मोटा मतलब एमबीए टाइप का कुछ कर लिया जाए यूपीएससी की तैयारी एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में शुरू भी की थी एक बार मैं और एक मेरा दोस्त थे हम करते थे लेकिन जब तक निकले ना तब तक हमें अपनी औकात समझ में आ गई थी कि ये बहुत ही डेडिकेशन वाला काम है और वो तो हमारा है नहीं तो फिर लगा कि सबसे जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन और कम मेहनत में वही सफेदी लगा कि ये तो एमबीए दे सकती है तो फिर लगा कि एमबीए बी में भी मैंने दो साल कोचिंग की ये बहुत एक स्थिति ऐसी आई थी और मैं अभी भी जब मेरे को बहुत सारे लोग पूछते भी हैं तो मैं बड़ा रिलेट करता हूँ उस बात से जब आप इंजीनियरिंग करके घर पे बैठे होते हो ना दो साल वो भी ऑलमोस्ट दो साल और आपने ट्वेल्थ के पहले भी दो साल बैठे हो तो आप चार साल की छुट्टी ले लिया अपने जीवन में पहले ही जो कभी कॉर्पोरेट में तो मिलेगी नहीं और वो बड़ा खराब लगता है हालांकि कोई बोलता कुछ नहीं था लेकिन एम बी में पहुंच गया फिर लेकिन लिखने का ना वो एक जो दो साल में जब करके आएंगे इंजीनियरिंग तो एक छोटी मोटी एडवर्टाइजिंग एड़, एड़, एजेंसी में और इधर उधर कुछ कुछ काम मिलने लगा मेरे को तो लेकिन फिर भी ये नहीं था कि ये कोई करियर है है ना फिर कॉलेज पहुंचे और फिर वहां पे कुछ दोस्त मिले जिन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया वहां से फिर धीरे धीरे और मेरा तो जो ऐसे लग रहा है ना कि बी टेक और उसके बाद अच्छा कॉरपोरेट में नौकरी की दो जगह उसके बाद अब राइटर फुल टाइम लेकिन ये क्या ना रिज्यूम में इतना पास पास दिख रहा है इसके बीच में पंद्रह साल है मतलब वो जो है तो ऐसा कोई बहुत ही स्लो ट्रांजिशन हुआ ऐसा कोई बहुत जल्दी नहीं हुआ मेरा मतलब मैंने तो दस साल ऑलमोस्ट नौकरी की दस ग्यारह साल जिसको बोलते हैं और आखिरी जो नौकरी भी की वो भी बहुत लिखने पढ़ने से रिलेटेड ही थी मतलब मैं कहानियां सुनता था एक चैनल के लिए तो वो सब बहुत ऐसा ही काम था तो इतना ऐसा मतलब ऐसा कोई जल्दी नहीं हुआ और झटके में नहीं हुआ पर हमें तो मैं अभी भी बड़ा सरप्राइज होता हूँ उन लोगों को लेके जो बेचारे इक्कीस साल में बिल्कुल उनको श्योर होता आ, नहीं, मुझे ये आज भी है कि मुझे क्या करना है मैं अभी दस साल पहले फोटोग्राफी शुरू की थी मुझे लगा कि बस यही है मेरा काम और मैंने कुछ प्रोफेशनल काम लेना शुरू किया फिर मैं उससे बोर हो गया फिर लिखते हुए मुझे लगा कि ना एक किताब लिखी है थोड़ा अब इसी को करूंगा मुझे लग रहा है कि एक साल के बाद मेरा वो भी खत्म हो जाएगा मुझे अच्छे लोग जिनको इक्कीस साल की उम्र में पता है अभी इक्कीस साल की उम्र के लोगों से मुझे एक चीज ध्यान आती है जब वो लोग लिखते लो देखते हैं स्पेशली जब आप आए हैं सत्यवैस है मैं पर और ये ये हम लोगों की एक ब्रीड आई है जिसने कि नए युवाओं की भाषा में लिखना शुरू किया और हम लोग जो है कहीं ना कहीं उस चीज को लिख रहे हैं ये जो आपने बीच में बात कही है सुनने में मजेदार रखते हुए कह रहे यार समझ नहीं आता क्या करना है लेकिन एक्चुअली जीवन के संघर्ष है ये हमारी लर्निंग है और ये सबके साथ है तो हम ये कहानियों को लोगों के सामने लेके आ रहे हैं उन कहानियों को हम बताते हैं और हमारा जो युवा पाठक वर्ग है हमसे जुड़ता है तो ये सवाल मेरे पास बहुत बार आया है और ये आपके पास तो और भी ज्यादा आया होगा पास अब ज्यादा वो किताबें हैं ज्यादा फॉरवर्ड बेस्ड बना हुआ है तो वो पाठक ज्यादा आपसे जुड़ते हैं और सबसे बड़ा सवाल पहला सवाल ये आता है कि सर मेरे पास एक कहानी है मुझे ये नहीं पता मैं लिखूं कैसे का सवाल जवाब एक्चुअली मुझे देना बड़ा मुश्किल <laughs> लगता है कि तो 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 जैसे मैंने जब पे लिखा तो मुझे बहुत ने आगे कहा कि मैं भी कॉलेज में देखा है मैंने पॉलिटिक्स में कैसे लिखू आपको किसी ने शॉर्ट स्टोरीज के लिए कहा होगा या किसी ने नॉवेल के लिए आसन कहा होगा कि हाँ मैं भी एक ऐसी कहानी जानता हूं मैं क्या करूँ उसको तो ऐसे यूथ जो है हमारे ऑडियंस में भी है इनके लिए आप क्या कहेंगे नहीं नहीं ये ना एक्चुअली मैं ना इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ क्योंकि देखो अब एक ऐसी पूरी नई ब्रीड आ रही है जो कम से कम ये सोचती है कि यार मैं सत्यव्यास नवीन आशीष निखिल मतलब अब दसियों लोग हैं कि अरे ऐसा होके भी एक आइडेंटिटी बनाई जा सकती है जैसे मोहल्ले में जैसे एक होता था ना कि अरे ये भैया तो आई कानपुर के हो गए लेकिन अब ऐसा भी एक ब्रीड तैयार हो गई है जो कहते हैं नहीं यार ये तो है ना हम ये हो सकते हैं जैसे ना ये दस साल पहले एक नया जो बोलते हैं ना हीरो नहीं था ये एक तरीके से ये बहुत अच्छी अब उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है ये वही वाली बात है जैसे जब कोचिंग में जब कानपुर और लखनऊ में जब आईआईटी की कोचिंग होती है तो जब एडमिशन कराने जा रहे होते हैं तो जो एडमिशन ले रहा होता है ना काउंटर पे उसको पता होता है कि इसमें से 95 होगा नहीं होगा। लेकिन उनको ये थोड़ी ना बोलता है कि बेटा <laughs> <laughs> कोई बात वो तो फीस लेता है अपना आगे बढ़ता है लेकिन कमाल की बात है कि उन पांच परसेंट का तो होता है या दो परसेंट का तो होता है वो तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर आई नहीं कहीं और नहीं तो कहीं और सही कहीं और सही तो मुझे लगता है ना कि ये जो एस्पिरेशनल वैल्यू आई ना हिंदी में ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इनफैक्ट मैं तो कितने कॉलेज में भी गया हूँ मेरे को बहुत लोगों ने बाद में भी ये बोला कि सर हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम हिंदी में किताब लिखे हमने तो जब किताब लिखने का सोचा तो हमने सोचा था हम अंग्रेजी में ही लिखेंगे तो ये एक नया रास्ता मिला लेकिन जो ये सवाल है इस पे आते हैं जो डायरेक्ट पॉइंटेड सवाल था कि कि कहानी तो है सर हम शुरू कहाँ से करें वो सवाल ना ये बताता है कि आपने ना जैसे कि किताबें कम पढ़ी हैं आपने दो चार लोगों को पेपर में देख लिया उनका फेसबुक पे ये देख लिया अरे नवीन सर को तो तीन सौ लाइक आ जाते हैं उनकी पोस्ट पे है ना अभी वो तो नवीन सर लिखते हैं तो छः सौ लाइक आ जाते हैं तो आप उससे इंस्पायर होते हो कि अरे यार मेरा ना समाज में जो है और मैं ये कैसे कर लूँ और करने के लिए आपको तुरंत पहला सवाल आता है जो तो किताब लिख के हो सकता हो और किताब लिखने आपने कभी नहीं सोचा जिंदगी में ना आपने किताब के बारे में अगर सोचा होता तो आप ये सवाल पूछते नहीं लेकिन फिर भी उसको आते हैं कि मान लेते हैं कि चलो आप इग्नोर इग्नोरेंट रहे हो और ये आग, और किताब कैसे लिखे तो इस सवाल का जवाब ना इसलिए कोई डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता जिस दिन आप पच्चीस पचास सौ किताबें पढ़ लोगे तो आप ये किताब नहीं खरीद के पढ़ोगे कि यार नावल कैसे लिखते हैं है ना तो वो शायद एक्सपोजर की कमी की वजह से ऐसा होता है और जो लोग पूछते हैं तो मैं उनको बस एक ही चीज बोलता हूँ मतलब हमेशा मैंने तो एक लिस्ट बना ली है स्टैंडर्ड एक हिंदी किताबों की दस बारह राइटर्स की मैं कहता हूँ इनकी सारी किताबें पढ़ लो और उसमें से जिनको मैं बोलता हूँ उसमें से 99% परसेंट लोग को कभी नहीं पढ़ते मुझे है वो कभी नहीं पढ़ेंगे है ना तो मैं उस बात से बच जाता हूँ कि इसका फाइनली क्या होना है और क्या नहीं होना है और जो उसमें से एक परसेंट लोग पढ़ लेते हैं वो शायद देव्य प्रकाश के पास जाते हैं नवीन के पास जाते हैं नीलोत्र वो अदरवाइज भी पहुंचते हैं उसमें हमारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं तो ये ऐसे मैं बच जाता हूँ इस, इस, इस कहानी लिखी आपने वो कहानी जी होगी आपसे सत्रह साल अठारह साल पहले और भी पहले शायद नाइन्टी एट के समय की कहानी है वो जो पूरा है और अब आप लिख रहे हो तो आपने वो बीस साल कहानी को जिया ना अपने अंदर पकाया ना वो चीज और तब ये चीज हुई तो ये समझना चाहिए बीस साल में आपके पास बीस साल का अनुभव तो अनुभव करने के लिए ये ये बड़ा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आई थिंक इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी भी चीज को यहाँ पे अब बात करें कि अब आप आपको आज दिख रहा है कि देव प्रकाश दुबे की पांच किताबें आ गई हैं सारी बिक जाती हैं लेकिन अगर आप पहले सवाल के जवाब में देखें जब वो बता रहे हैं कि वो जो जर्नी फटाफट दिखती है कि ये क्या ये क्या ये क्या वो पंद्रह साल की जर्नी है वो पंद्रह साल लगते हैं वहां पहुंचने में अगर मैं एक किताब लिखता हूं तो वो कहानी मेरे दिल में बीस साल बैठी है लेकिन मेरा अपना लिखने का प्रैक्टिस भी जो है वो दस साल का है पहले किताब आने से पहले आठ दस साल मैंने ब्लॉगिंग करके किसी छोटी छोटे न्यूज वेबसाइट पे लिख के ये सब करते हुए हम लोगों ने डेवलप किया है लोगों को पढ़ा है मेरी अलमारी में अभी भी, भी करीब तेईस ती, तीन सौ के आसपास किताब है जिसमें मैंने शायद सारी नहीं पढ़ी होंगी लेकिन ये जो पढ़ना है ये बड़ा मायने रखता है तो जो भी लोग लिखना चाहते हैं पढ़े जरूर अब लिखने के साथ ही एक जो दूसरा सवाल क्योंकि वो जब आपने तीन साल लाइक वाली बात कही थी ये भी एक नया बड़ा इंटरेस्टिंग यूथ के अंदर है कि ये हमें चाहिए तो हम सब चाहते हैं जो भी लिखता है वो चाहता होगा कि वो बेस्ट सेलर बने जब आपकी किताब आती है बेस्ट सेलर बनती है अभी तो खैर ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है एंड आपकी किताब जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है पहली किताब 2014 में आई थी या 13 13 मेरा में तो में आई थी 13 जनवरी 2013 सब में वो तो, पहले प्यार की तरह याद रहता है आ, तो आपके दिमाग में कभी मुझे वो नहीं है। नहीं, हाँ, मतलब ये जैसे ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सवा जब पहली किताब आई ना तो मेरे को ना पहली किताब का जब रिएक्शन आना शुरू हुआ उसके छह महीने बाद ही रियलाइजेशन हुआ कि अरे मैं राइटर हो गया है ना क्योंकि मैं तो और मैं सच बताऊं तो वो कहानियां लिख भी नहीं रहा था मैं वो किससे लिख रहा था उसमें वो तो मेरे अंदर इतना उस समय का फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि एम से निकले नौकरी बहुत अच्छी चल रही है लेकिन जीवन में कुछ नहीं हो रहा है है ना ना मतलब मतलब आप मतलब आपको एकदम से जिसके लिए 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 आपने जिस के लिए, जिस के के बड़े कॉलेज के लिए इतना पहुंचे आप जहाँ पे और वहां से एक आप हाई प्रोफाइल नौकरी भी कर रहे हो वहां पे एक पॉइंट के बाद आपको एक मोमेंट एक आता है कि यार यार इसी के लिए सब कुछ था क्या इतनी मेहनत इसके लिए थी है ना तो मेरा जब मैंने किताब लिखी ना तो मेरे अंदर वो वो दौर चल रहा था मेरा कि यार ये इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में जो मुझे किससे पता थे जो चीजें थी और जिन लोगों ने भी मतलब मैंने जब कहानियां इसीलिए शर्तें लागू लिखी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई उसमें अगर देखोगे कॉमन थ्रेड है कि सारे वो लोग हीरो उस कहानी के जो सोसाइटी की नजर में सब नॉन हीरो जो बिल्कुल फेलियर चाहे वो जुम्मन भी आए चाहे वो किट्टी भैया है चाहे वो पुतन बाबू सारे के सारे फेलियर है है ना मैं उनसे बड़ा रिलेट कर मैंने कहा यार हम लोग हमारी कहानी कौन लिखेगा हम तो फेलियर ही रह गए ना यार जीवन में तो वो, वो, वो जो चीज थी फिर मैं सवाल ही फिर वही होता है बताते बताते ना खो जाता हूँ उसमें <laughs> कि लेकिन ये जैसे ना रियलाइजेशन की राइटर हो गए ना ये बहुत बाद में हुआ इनफैक्ट क्योंकि जब मैं पहली किताब ही लिख चुका था तो मेरे पास कम से कम चालीस किस्से और थे जो मैं नोट्स बनाता रहता हूँ इनके और मैं वो लिखते रह सकता था फिर अः खैर मतलब लेकिन उसके बाद से आपको ना धीरे धीरे ये होता है कि अरे यार ये लोगों आप जो आपके पास कोई जो बात है बताने की वो लोग भी उससे टच हो रहे हैं कुछ बात उनको छू रही है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना कि आप किसी के मन की बात लिख दो और वो आके बोले अरे सर हम ये तो कहना चाहते थे हम कह नहीं पाए और आपने ऐसे कहा जैसे मैं कहता यही सबसे बड़ा अवार्ड है ना उस पूरे उसका तो वही लगा मैं सवाल से तो डेविएट ही हो गया ठीक है लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा जैसे अब ओवर अब पांच किताब बाद और उस घटना के सात साल आठ साल बाद में जो पहली किताब थी वो मेरी सबसे कम बिकी ओवर पीरियड ऑफ टाइम अब मैं देखता हूँ लेकिन मैं देखता हूँ जो बहुत सारे लोग जो नए लोग आते हैं वो सारा एफर्ट डालते हैं पहली किताब पे वो छप के आ जाए और वो नाइनटी नाइन परसेंट पहली नहीं चलती मतलब किताबें नहीं चलती तो आप दूसरी नहीं लिखते हो आप असली में रेस वहां पर नहीं हारते पहली किताब पे आप रेस दूसरी किताब पे हार जाते हो जब दूसरी लिखते तीसरी नहीं लिखते चौथी लिखते हो क्योंकि किताब लिखना ना बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है आपने तो किताब का मजा ले लिया ना लिख के अब वो चल गई तो बोनस है मतलब वो ऐसा ये मान के ही लिखना चाहिए कि भाई ये तो आप कहीं नैनीताल घूमने गए आप नैनीताल पहुंचने का भी तो एक मजा है ना वो तो ले लो ना नैनीताल में तो आएगा ही वो सब तो बोनस है पहुंचने के बाद वहां तो पहाड़ है वो तो सुंदर दिखेगा ही जो भी है तो वो चीज थोड़ा समझना चाहिए जो नए लोग मैं देखता हूँ कि थोड़ा शायद ये समझने में समय लगता है समझते तो है, समय लगता है घूम तो फिर के ये एक्चुअली हाँ ये बहुत ट्रिकी है ये मेरे लिए भी था क्योंकि जो किताब का दूसरा आने में लगभग तीन साल का गैप आ जाएगा कई सारे थॉट्स सा और यहां पे मैं मैं बुक्स को अगर मैं देखूं तो पहली किताब से दूसरी किताब का जो सफर है अगर किताब नहीं चली तो आप वो जाते डिप्रेस हो जाते चल गए मेरे साथ होता है पहली अगर चल गई तो मैं इसे टेंशन में आ गया हूँ कि यार अभी दूसरी लिखूंगा तो वो नहीं चली तो बेजती हो जाएगी तो ये भी एक राइटर को बड़ा थॉट आता है। दूसरा जो पॉइंट है कि एक जो दूसरी बुक है कई लोगों को मैंने देखा जॉनर पूरा चेंज कर देते हैं कई बार वो सिमिलर तरीके से करते हैं है मैं पॉलिटिक्स पे लिखा था मैं अग्री पॉलिटिक्स पे कर रहा हूं आपकी पहली शॉर्ट स्टोरी थी आपने दूसरा भी शॉर्ट स्टोरी किया फिर आप नॉवल की तरफ पढ़े तो तो पहली किताब से दूसरी किताब का सफर है जहां पे कि अधिकतर लोग घबराते हैं चाहे वो फेल हुए हो चाहे सक्सेसफुल हुए हो वहां पे आपका पॉइंट क्या रहा जिसने कि फिर आपको धीरे धीरे एक से दूसरी की तरफ जाने की के लिए मोटिवेट किया है और साथ ही साथ ये जो जॉनर को पकड़ना ये जॉनर कैसे पकड़ने का डिसाइड करते हैं कैरी ऑन करना है या कुछ नया करना है जॉनर का ना एक्चुअली जैसे जो पहली से दूसरी का जर्नी कोई अलग नहीं रही क्योंकि पहली में भी किस्से कहानियां थे दूसरी में बस एक चीज अच्छी हुई कि मैंने ना बड़ी कहानियां पकड़ी थोड़ी जैसे मुझे लगा कि यार मैं एक आदमी की कहानी बता रहा हूँ जो मैं बिल्कुल मैथ्स की तरह बताता हूँ एक बार है ना तो मुझे लगा कि मैं एक दो लोगों की कहानियां सुना रहा हूँ जैसे जब दूसरी किताब में एक कहानी है फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वो वो करीब करीब ऑलमोस्ट में वो पूरी किताब की की है मसाला चाय जिसको जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट हुई और बाद में मुझे मलाल भी हुआ कि मैंने एक नॉवल खराब कर दिया मतलब एक नॉवल हो सकता था वो जो मैंने इस डर में नहीं लिखा कि यार मैं भी नॉवल के लिए रेडी नहीं हूँ तो वहां से वो जर्नी नहीं हुई लेकिन जब उसके बाद मस, मुसाफिर कैफे की जर्नी हुई वो अपने आप में इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आप जैसे ना सो मीटर भाग रहे हो सो मीटर भाग रहे हो फिर एकदम से लगता है कि नहीं अब तो मतलब मैराथन भागेंगे अब अब मतलब अब वो जो है तो वो बड़ा लंबा गैप भी रहा उसके बाद मसाला चाय के बाद से मतलब बहुत समय लग गया मेरे को लिखने में और मुसाफिर कैफे भी नावल की तरह शुरू नहीं हुई थी मेरे दिमाग में जो थाट था मैं बताता हूँ कि मैंने सोचा था कि एक लड़का और लड़की जिस भी जगह पे इस दुनिया में बात कर सकते हैं चाहे वो हेलीकॉप्टर की सीट हो एरोप्लेन की सीट हो ट्रेन की सीट हो बस हो बेडरूम हो वॉशरूम हो कहीं पे भी जहाँ पे भी आदमी बात कर सकता है मैं वो सारे वो लिखूंगा डायलॉग लिखूंगा और ऐसे लिखूंगा कि आदमी एक अलग अलग सिरे में पकड़ता है और पूरी किताब केवल डायलॉग में होगी वो है वो जब लिखने लगा और तीस चालीस सीन ऐसे मैंने लिख लिया तब एक कहानी उसमें से इमर्ज होने लगी और जब कहानी इमर्ज हो गई तब फिर लगा कि अरे यार, यार ये तो मतलब कुछ बन रहा है इसमें और फिर वो अलग जर्नी है कि फिर सेकंड पार्ट उसका कैसे गया और कैसे किया और कैसे लिखा लेकिन जॉनर मैंने ये सोचे नहीं लिखा था कि मेरे को रोमांटिक या इस तरीके क्योंकि ना मेरे लिए ना रोमांस या मैं जैसे ना मैं पर्सनली बताऊ मेरे को कॉलेज वाला लिखने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि ना कॉलेज पे इतनी सारी चीजें होती रहती है ना और मुझे ये भी पता है चूंकि कॉलेज जाता हूं कि जो जो मेरा कॉलेज कॉलेज था और जो आज का है वो सब कुछ सेम होते हुए भी पूरी तरीके से बदल चुका है ना एक जो इनसिक्योरिटी तो मुझे लगता है कि मैं लिखूंगा तो वो जो मेरा रीडर है वो सोचेगा अरे यार ये क्या बना बाबा जी हो गए मतलब ये <laughs> है ना तो वो 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 डर भी लगता है मेरे को तो इसलिए ना मैं हमेशा इनफैक्ट इब्ने बतूती में वही जर्नी आगे की हुई जैसे कि जो थाट है था ना कि एक समाज में कोई चीज आगे की भी लेके जाओ आप वो जो उसको उठाओ उस तरीके से करो तो वो था तो उस तरीके से ही पकड़ा मतलब जॉनर तो देख के नहीं लिखा मैंने मतलब जैसे वो बड़ा ट्रिकी इसलिए भी हो जाता है जैसे बहुत सारे लोग अगर अभी पता चला स्त्री आई या कोई ऐसी फिल्म आई जैसे रोमांटिक कॉमेडी कोई चल गई तो आप एकदम से होता है ना जैसे बॉम्बे में प्रोड्यूसर्स मांगते हैं कहानियां अरे सर ये रोमांटिक कॉमेडी दे दो

मुझे टर्म्स एंड कंडीशन अप्राइज है हमेशा ऐसा लगता है कि वो

बस, करता है। हाँ, बस मैं एक चीज ऐड कर दूं जैसे ना मैं ये देखता हूँ भी लिखी और लगभग रोमांटिक लिखी मतलब वो ज्यादा बिल्कुल वैसी है जैसे आदमी कोई दोस्त को किससे सुनाता है ना वो मैंने ये चीज रियलाइज की कि आपको ये डर तो होता है कि रिपीटेटिव हो जाएगा लेकिन ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो आपके अंदर शब्द है ना वो आप ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल दो डाल दो है ना कि ना, आप ये, ना ये कुछ साल आप ज्यादा मेहनत करोगे रेटिंग, रेटिंग खराब आएगी उस तीस साल की रोड में कुछ साल अच्छे रहेंगे कुछ खराब रहेंगे तो आप जितना ज्यादा निकालोगे ना आप नई चीजें ढूंढ पाओगे आप ना बचा के मत रखो उसको आपको लगता है ना कि आप बिल्कुल महाकाव्य तैयार कर रहे हो मतलब वो नहीं सोचना चाहिए मैंने और जैसे ना जैसे जैसे मैंने लोकल भी किया या उसके बाद पिया मिलन चौक किया था ऑडिबल के लिए मैंने जब खूब कहानियां लिख दी ना तो मेरे पास फिर नई कहानियां तैयार हो हाँ। वो आप ये एक मेंटल ब्लॉक है कि आपके पास लिमिटेड कहानियां है ये मैं नहीं मानता क्योंकि आप वो अक्वायर करते भी रहते हो उस दुनिया से वो चीज़ें हाँ है। आते हैं उस पर सवाल पे जॉनर हाँ। तो पे तो जॉनर पे अगर कोई राइटर एक ही जॉनर को फॉलो करता है और या एक ही तरीके से शॉर्ट स्टोरी ही फॉर एग्जाम्पल कर रहा है या नॉवल

तो इसका एग्जैक्ट तो मुझे लगता है ना कि हर बार ना जो सबसे अच्छा उसका तरीका है ना कि उसको ना आप जो भी क्रिएट कर रहे हो ना असल क्या है ना देखो दुनिया में चीजें बड़ी लिमिटेड है जो भी चीजें कही जा सकती हैं वो कही जा चुकी है है ना ठीक बात लो, जो जो है ना उसमें अगर ये बोलना कि हम बड़े मौलिक हैं और ये है तो ये बात ही बड़ी फ्रॉड है मतलब एक तरीके से तो हम लोग को ना बस ये देखना चाहिए जैसे मैं ना उसको ऐसे देखता हूँ हर चीज को अब स्लो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की मैं ना अब देखता हूँ कि जो कहानी में जो बेस्ट मोमेंट होते हैं या जब मैं क्रिएट कर रहा था हूं, वो वो मोमेंट होते हैं जब मैं जैसे क्रिकेट में जब आप वो रिपीट चलता है ना कि आउट होता कि नहीं था वो स्लो मोशन में देखते हो आप स्लो मो में देखते हो तो आप जैसे ना अब मैंने एक एक मेरे दिमाग में एक मोहल्ला है उसको मैंने एक एंगल से देखा था कभी कि अच्छा देव्य प्रकाश जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था एक लड़का उसी मोहल्ले में एक कोई सामने भाभी रहती है जो टीचर है और वो अब मैं उसका ना एक एंगल बदल देता हूँ उसी मोहल्ले को देखने का और जैसी मैं वो नजरिया वहाँ पे वो है। जैसे आप जहां पे बड़े हुए जो आप कॉलेज गए आप जाके लाख कोशिश करके भी अब दोबारा कॉलेज नहीं जा सकते लेकिन आप याद करो कि उस अपने कॉलेज को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो एक दिन आप अपने रूममेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो हो सकता है उसका खराब एक्सपीरियंस रहा है ना हो सकता है उसी कॉलेज को आपने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दिन देख लो तो वो अलग ही तरीके से देख रहा होगा कह रहे यार ये क्या करेंगे जीवन में है है ना हो सकता है कि एक ऐसा दोस्त हो आपका जिसको आप देखते हो कि अरे इसकी तो ईयर बैक लग गई ये तो साला जिंदगी में कुछ नहीं करेगा और बाद में पता चला कि उसने एक अपनी आईटी कंपनी खोल दी <laughs> है ना तो वो सेम चीज के पांच पॉइंट ऑफ व्यू हो गए दस हो गए और आप जैसे ही ना इसको देखने का एक तरीका ये मुझे भी अभी भी समझ में आया जो मुझे लगा कि आप जब भी चीज देखो ना उसको स्लो मोशन में देखो वो जैसे आप स्लो मोशन में देखोगे ना तो और आप पीछे हट के देखोगे जैसे हम लोग के यहाँ जो फिलोसफी है जिसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं मतलब पूरा का पूरा हिंदुस्तान में जैसे फिलोसफी की जो हिंदी है वो दर्शन है दर्शन का मतलब ही यही है ना कि आप इस जिंदगी को पीछे हट के देखो ना दृष्टा हो जाओ उसके वो कुछ चल रहा है ये मतलब और जैसे ही आप पीछे हट के देखते हो ना तो आप अपने पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना घर देख लोगे बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लोगे बीवी के उससे देख लोगे देख लोगे एक ही घर में तो दस पॉइंट ऑफ व्यू फिर तो हमारे पास हजारों लोगों से हम मिलेंगे हजारों कहानियां तो मुझे लगता है वो जैसे ही बदलोगे और अगर रिपीट भी हो तो वो कैरेक्टर जो है वो उम्र के अलग पढ़ाव पे हो जैसे मैं जो ट्वेल्थ में जाते हुए जो लड़का था वो कॉलेज में वो लड़का नहीं था आज की डेट में वो लड़का वैसा नहीं है तो वो चीज थोड़ा सा मुझे लगता है ये शायद फ्रेशनेस दे पाए

अच्छा यहाँ एक एक जो पॉइंट हम नॉवल की आपके नॉवल पे मैं आता हूं मैं दो पॉइंट क्वेश्चन मुझे आपके नॉवल्स पे कर रहे हैं उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जिसके लिए आप हम दोनों का गालियाँ खाते हैं और बाकी हमारे जनरल के सारे खा हुआ तो लेकिन हम बाद में आते हैं पहले इस आपके मुसाफिर कैफे मुसाफिर कैफे की जो स्टोरी थी उसमें सुधा चंद्र पम्मी यह तीन कैरेक्टर है और ये तीनों कैरेक्टर गुनाहों के देवता में यही नाम है जिसका आपने बहुत बार उसमें जिक्र किया कि आप जो है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है ये जो नामों को इस तरह से इस्तेमाल करना ये जो है आ, क्या एक मार्केटिंग टेक्निक थी अब हम जो है थोड़ा सा उसको यूज करें और हम मैं हम खाते कि क्या वो एक मार्केटिंग टेक्निक थी कि हम इस नाम के जरिए एक इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं या फिर वो जो है कैरेक्टर्स आपके इतने अंदर घुस चुके थे कि आपको लग रहा था कि मैं छोड़ ही नहीं सकता यार इसको कहीं मेरी कहानी माना चाहिए नहीं नहीं तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि पूछा आपने इसमें देखो क्या है ना मार्केटिंग ना जब लिख रहा था और मैं बिल्कुल बहुत ही ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूँ मुसाफिर कैफे जब खत्म हुई थी उस दिन पच्चीस जनवरी थी दो की है ना और आ, मैं सिक्सटी परसेंट किताब लिख के और डायलॉग 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 लिख के बैठा हुआ था मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आगे क्या होगा और इन कैरेक्टर्स के नाम भी अलग थे उस समय तक मैं 25 जनवरी को आ, मंडे था उस दिन छुट्टी थी सोमवार था मैंने छुट्टी ली 26 जनवरी को छुट्टी होती है और एक दो दिन वीकेंड के मैं जब फ्राइडे लौटा ना ऑफिस से तो मैंने एक डेडलाइन बांधी थी कि अब मैं उठूंगा नहीं जब तक ये किताब खत्म नहीं हो जाएगी जब मैं फ्राइडे शाम आया मेरे को पता नहीं कहाँ से फितूर आया और मैं नॉर्मली जैसे हर किसी का राइटिंग का मेथड अलग होता है तो मैं नॉर्मली जब लिखने बैठता हूँ तो मैं दस पंद्रह मिनट ना कोई रैंडम किताब उठा के पढ़ता हूँ कोई भी रैंडम किताब उस समय जो मैं किताब पढ़ रहा था वो थी दो नामा रविशंकर बल्कि इसमें गालिब और मंटो के डायलॉग है वो सब मैं सत्तर अस्सी पेज पढ़ चुका था पता नहीं कहां से मेरे को लगा कि यार ठीक है अब ये किताब कहानी तो वैसे भी नहीं बढ़ रही मतलब आप पंद्रह मिनट के लिए बैठे आप एक घंटे तक किताब पढ़ रहे हो लेकिन आपको डर लग रहा है कि यार ये फिर कहानी नहीं होगी मेरे से और मैं बैठा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा वो नहीं करूंगा मैं आया तो मैंने ऐसी वर्ड फाइल में कंट्रोल एफ करके उसका नाम मुझे अब एग्जैक्ट नाम भी नहीं आया कि उससे पहले उस कैरेक्टर का नाम क्या था शायद पुरानी फाइल में मिल जाएगा मेरे को मैंने ऐसी मजाक में सुधा चंदर कर दिया उसको पम्मी तो किया भी नहीं पम्मी बाद में आई उसके बाद सुधा चंदर कर दिया और उसके बाद से ऐसे लगा जैसे सर पे कोई भूत बैठ गया मेरे और मैं अगले ढाई दिन वो जैसे होता है ना कि आप पता नहीं कोई भी नशा कर लो आप ढाई दिन तक वो हाइबरनेशन रहता है कि नहीं रहता है मुझे नहीं मालूम उस तरीके का लेकिन वो ढाई दिन मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ मतलब वो जैसे मैजिकल एक्सपीरियंस होता है ना कि किसने लिखवा दिया क्या हो गया कैसे हो गया मुझे कुछ नहीं पता पच्चीस की शाम को जब मैं नॉवल छह बजे खत्म किया मैं इतना ज्यादा हाई था कि मैं अप, मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने एक ड्राफ्ट नॉवल खत्म कर लिया तो मैं पहले तो मैंने ढाई दिन किसी को उस समय अकेले थी नहीं और मैंने अपनी बाइक को बना कर दिया नहीं आने खुद ही मैगी वैगी बना के और मैं जैसे थोड़ी देर जैसे बैठे रहते ना कि अरे मतलब वर्ल्ड कप जीत गए अब मतलब हम तो राजा हो गए ऐसा करके अलग ही जोन था फिर मुझे लगा ना मैंने बाद में उसका नाम चेंज किया लेकिन फिर मुझे लगा कि ये शायद मतलब अब ये पता नहीं ये बहुत वैसी फिलोसफिकल बात है कि शायद ये कहीं ना कहीं कोई जादू है और वो क्यों हुआ क्योंकि वो कैरेक्टर का नाम आया तो मुझे ये एज अ ट्रिब्यूट देना चाहिए और मैं एक और किस्सा बताता हूँ कि गुनाहों का देवता से रिलेटेड जो भी चीजें हुई अटेम्प्ट एक सीरियल बना सीरियल फ्लॉप था एक फिल्म बनने की कोशिश हुई वो फिल्म डब्बे में चली गई उसके बाद जब भी उसका अडॉप्टेशन किया कुछ भी ऐसी कोशिश हुई सब फ्लॉप था ये बात मुझे पता थी उसको डालने से पहले तो मैंने एक ये सब जान के और क्योंकि ये सबसे बड़ा रिस्क है ना आपका पहला लाइफ का नॉवेल है आप तुरंत जज हो जाओगे तीसरी किताब है आप आप बबुआ नहीं रहे कि कि उसे कि लोग बोलेंगे अरे यार ये क्या मतलब नॉवेल में फेल हो गया है है ना ऐसा जो उसके बाद जो कमाल की के बाद एक मेरे दोस्त है विशाल गौरव दरभंगा पब्लिक स्कूल चलाते हैं मैंने बड़ा कंफ्यूज था कि सर ये नाम रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए ये करके तो और या फिर मैं उनसे मिलूं पुष्पा भारती जी से वही बॉम्बे में ही रहती हूँ तो मेरा देखो ऐसा है उन्होंने बहुत ही कमाल की बात बोली और मैं हमेशा मैं चाहता हूँ कि मेरे कैरेक्टर के साथ भी ऐसा हो तो उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है ना ये जो लोग होते हैं ना ये मार्केटिंग वाले आई ए ये वो बिजनेसमैन ये क्या करते हैं जब प्रॉपर्टी बनाते हैं पैसा बनाते हैं तो अपने बेटों को दे देते हैं। चलो, बेटे का हुआ बेटी का हो गया <coughs> होता है इस दुनिया में। जब वो करता है ना तो पूरी दुनिया के होते हैं तुम्हारे नाम दुनिया के नाम वसीयत लिख के जाता है बाद इन कैरेक्टर को यूज करो बाकी जो होगा तो देखना है तो मुझे बहुत बड़ी बात लगी मुझे लगा यार ये तो बहुत ये इससे बड़ी क्या बात होगी कि आप किसी ने आपके नाम वसीयत उसको भी नहीं पता कि आपके नाम उसने लिखी ली और मैंने वैसे भी कैरेक्टर स्टिक तो लिया नहीं था केवल नाम लिया था क्योंकि सुधा तो वैसी थी ही नहीं ना सुधा तो उसकी वन एटी डिग्री है अलग ही है और अब अगर, अगर सुधा को पढ़ो तो आपको नफरत भी हो जाए कि अरे ये सुधा ऐसे क्यों कर रही है अभी क्यों कर रही है अब 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 जब एज में आप पढ़ते हो शायद वो उसका अभी भी वो एक नोस्टैलजिक वैल्यू है तो तो ये कहानी थी उस पूरे ट्रिब्यूट की और फिर बाद में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अमेरिका में तो आज भी शरल खोन की किताबें रिलीज होती हैं फैन फिक्शन लोग लिखते हैं बट वो है कि वो कैरेक्टर भी लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक भी लेते हैं मैंने केवल नाम ले लिया नाम ले आपके बच्चे का नाम बड़ा अच्छा है लाइ एम <laughs> और जो अभी आखिरी किताब के ऊपर आखिरी सवाल है इब्ने बतूती जो कि मैंने पढ़ी नहीं मैं इसके बारे में मैं तो अपने बारे में बिजी था तब खत्म हुई टाइम इब्ने बतूती जो है ये आ, काफी अब तक जो लिखा गया उससे अलग है जितना मैंने उसका ब्रब पढ़ा है आपके पढ़े का पढ़ा ये बड़ा यूनिक सा आइडिया था कि जो है मम्मी के बारे में हम सोचते हैं और मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप कहानी को पीछे ही ले गए

लेकिन ये कहानी ना जो मैंने शुरू की थी एक बाप और बेटी की कहानी शुरू की थी कि जिसमें बाप रिटायर हो रहा है और बेटी को लगता है कि अगर वो जा रही है तो बाप के लिए कुछ मतलब वो अकेले कैसे रहेंगे तो उनकी कोई दोस्त बन जाए या उनका कोई रिश्ता करवा दें या कोई ऐसा चीज़ हो और उस जर्नी पे वो जा रहे हैं और उसमें कमाल की बात है मैंने जब रिसर्च किया तो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बाप को सेट किया था और उस समय हवा चलती थी कि गोरख पांडे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते हैं उन्नीस सौ इक्यासी बयासी तिरासी की बात है और मैंने वो रिसर्च की मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने गोरख पांडे के साथ वो उनकी जो थाली चलती थी वो सब करते थे और ये फिक्शनलाइज किया कि जो मेन कैरेक्टर है हमारा उसके कमरे में गोरख पांडे आके रुकते थे वो चालीस पचास पेज मेरे लिख गए थे फिर एक दिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार हमारे जो बाप दादा है है ना नाना है परनाना है इन लोगों ने तो वैसे भी दो दो तीन तीन शादियां की हैं इनकी शादी कराना कौन सी बड़ी बात है है ना? 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 ना तो मैंने वो चालीस के चालीस पन्ने स्क्रैप कर दिए बाद मैंने कहा कि अगर ये कहानी होगी तो माँ की शादी की क्योंकि माँ की कहानी अभी भी नया है अभी भी ये लखनऊ में बलिया में भोपाल में इतनी भी आसान चीज नहीं है दिल्ली बॉम्बे में तो फिर भी शायद होता हो ऐसा और अब मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं मुझे लगा कि एक बेट और एक बेटा और वो भी बेटी से तो माँ ज्यादा खुली हुई होती है बेटे से कुछ चीजें पर्सनल होती है ना माँ बाप बेटे माँ बाप बात नहीं करते तो मैंने ना जैसे कई बार ये कहानी लिखते हुए मैंने वो सोचा कि मतलब एक थोड़ा विशफुल थिंकिंग है लेकिन वो जो एक मजाज साहब का शेयर है कि जमाने से आगे तो बढ़िए जमाने को आगे बढ़ाना भी है तो मुझे लगा कि एक ऐसा कोई विजन देख सकते हैं क्या कि जो शायद कहीं कल को सच हो थोड़ा बाबा वाले जोन में जा रहा हूं मैं वैसे तो लेकिन मैंने सोचा यही था कि ऐसी कोई बात हो तो कॉलेज की जब कहानी पे गया जब यहाँ पे अब क्योंकि वो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर सकते वो टाइम के हिसाब से सेट नहीं हो रहा था फिर पीछे गया तो फिर मुझे मंडल कमीशन के उस दौर की वो पूरी की पूरी वो रिसर्च मिल गई वो चार पांच घंटे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो मैं लोगों से मिला और जो किया उसमें रोशन अब्बास साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मतलब मेरे पास इतना मटेरियल था कि अब मैं मंडल कमीशन पर एक अलग किताब लिख सकता हूँ मेरा मुद्दा वो नहीं था अब वो मेरा मुद्दा वो नहीं था कि मुझे लगा कि नहीं वो कहानी को छूती है उसको वहां ना जाए और सबसे बड़ी बात है कि जो अब जो यूथ पढ़ रहा है ना और जो मेरे को फोन आ रहा है पहली किताब ऐसी है मैंने इतनी जो चार पाँच की बात को दस दस पन्ने के लिखे हुए लेटर आ रहे हैं हाथ से लिखे हुए और कितनी लड़कियां कितने कितने लड़कों ने कितने लोगों के पेरेंट्स से मैं बात कर चुका हूँ उन्होंने बताया कि सर उन्होंने हमारे मम्मी पापा ने हमें वो बातें बताई जो उन्होंने कभी नहीं बताई और ये मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होगा पढ़ के तो वो दैट मीन कहानी पीछे जो जाने का सवाल है ना वो कहानी पीछे की थी ही नहीं कहानी वो थी आज की पीछे बस उसका एक 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 क्या बोलते हैं ना गार्निश हाँ, से वो धनिया डाल दिया था वो पीछे <laughs> हालांकि वो धनिया भी बड़ा था क्योंकि वहां पे मंडल कमीशन था लेकिन <laughs> वो तो था, लेकिन वो उसको थ्रेड नहीं पकड़ा मैंने इनफैक्ट ये पहली किताब शायद ऐसी होगी जिसका सीक्वल भी लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें कई सारे ओपन एंडेड है चीजें तो इसके सीक्वल का तो इंतजार रहेगा और विशाल मैं ये थारा... थारा... कि, किताब कब आ रही है तुम्हारी किताब कब आ रही है सारे मेरे से कबारी तो मेरी किताब के लिए अभी करीब मेरी तरफ से काम खत्म हो गया तब वो पब्लिशिंग हाउस के पास काम है मेरे ख्याल से पाँच से छह महीने का समय तो मैं से भी आता है, किसी भी के माथे पे बंदूक रख के आप बोल सकते हो कि ठीक है तो <laughs> ले, बावजूद उसके की कि कितना समय लगता है मैं चाहता हूँ की सबको पता चले क्योंकि बहुत सारे नए लोगों को ये डाउट रहता है की हमने आज भेजी थी सर अभी तक दो हो गए जवाब नहीं आया तो वो जरा उसके मुझे लगता है बताओगे अच्छा रहेगा ये ये बड़ा हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो किताब छपने का प्रोसेस पूरा है सबसे पहले तो आप समझिए कि पब्लिशिंग हाउस के पास छापने की कैपेसिटी है लिमिटेशन है कि एक साल में कितनी किताबें हम कर सकते हैं तो नॉर्मली सौ से दो सौ किताबें एक पब्लिशिंग हाउस सामान्य तौर पे करता है और उसके पास वो दो सौ किताबें नहीं होती उसके पास जो है साल भर में पांच सौ सात सौ कि एक एडिटर पढ़ता है फिर डिसाइड करता है छपेगी नहीं छपेगी रिजेक्ट होगा तो ये ये सिर्फ वो वो टाइम 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 तो तो लगने वाला है ये तो एक हो गया कि डिसाइड करे कि आपको कब जवाब देगा तो सामान्य तौर पर पांच छह महीने तो जवाब देने में ही लग जाते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम राइटर है पहले छप चुके हैं तो फिर ठीक है फिर आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन है या उन्हीं से छपे हैं वो आपके साथ बात कर रहे हैं अदरवाइज ये समय में आपको लगेगा

मार्केट में जाने का समय भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू चैनल्स के जाते जाते, जिस दिन आपको हाँ कर दी छह महीने में दस महीने ये किताब कहीं नहीं गई इतना समय तो बड़ी सेलेक्ट होने के बाद इतना समय लग जाता है मैं अनक से बात करता हूं उसकी पिछली किताब की जब पहली किताब आई थी तो उसकी किताब को करीब डेढ़ साल लगा था आने में तो जमा करने के बाद तो वो ये एक टाइम है डिफरेंट के साथ बात करेंगे अलग-अलग तरह का वो है अच्छा ये सवाल हो गया अब आखिरी सवाल ये मुझे विशाल से पहले कि भगा दे हम दोनों को ये आखिरी सवाल मुझे इससे पूछना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में ना सिर्फ हमारे लिए नए राइटर्स के लिए और पुराने भीड है यह है मार्केटिंग अभी तक हमने देखा मार्केटिंग को लेके जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसको माना जाता है कि ये होनी ही नहीं चाहिए किताबों की और हम लोगों ने तो बड़ी बेशर्मी से किया दबा के बताया कि भैया ये मेरी किताब है तो कई लोगों को एक तो मार्केटिंग और सेल्स का फर्क नहीं पता मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसको अछूत मानने के पीछे कारण है कि वो ये नहीं समझते कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं सेल्स नहीं कर रहे तो मार्केटिंग सेल्स का फर्क नहीं है लेकिन नए राइटर्स में भी कहीं ना कहीं ये डाउट हमेशा रहता है जब वो पुराने राइटर्स को सुनते हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है मार्केटिंग वाला और फिर वो हम लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है उनको मार्केट भी करना चाहिए वो दुविधा में है तो उस दुविधा जैसी हो गई है किताब तो आप उस दुविधा से उसको कैसे निकालेंगे आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए नहीं मैं बस इसको ना एक चीज ऐसे देखता हूँ कि आपने जैसे आप बता रहे देखो हम लोगों ने सारी बात की कि, कि किताब एक तो लिखने का समय एक डेढ़ साल सबको लग रहा है उसके बाद उसकी प्रोसेस होने में नौ दस महीने चले जा रहे हो जिस चीज पे आपने जिंदगी के डेढ़ दो साल दे दिए तीन साल में तो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं है, है ना जब जिस चीज़ के आपने डेढ़ साल मिनिमम दे दिए जिस चीज पे मार्केटिंग क्या है मतलब उसको बिल्कुल बेसिक टर्म में लेमैन टर्म में समझे कि ये चीज है ये आ गई है यहाँ पे ये कोलगेट का पेस्ट अब यहाँ 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 मिलता है है ना अब ये चीज मार्केट में है अब अगली बार जब आप किताब ले रहे हो तो भाई ये किताब भी आप ले सकते हो ये चीज मतलब बिल्कुल सिंपल टर्म में ये बात है अब उसको करने के तरीके अलग हो सकते हैं हो सकता है कोई आप कोई मुनादी पिटवा दे कोई हो सकता है कि अपने फेसबुक पे हमारे लिए तो असल में फेसबुक ही सारा का सारा मार्केट प्लेस है सोशल मीडिया ही मार्केट प्लेस है अब हम वहां पे भी अगर ना करें तो सड़क पे तो लेके पर्चे बांटेंगे नहीं करेंगे क्या है ना तो वो चीज को ऐसे देखना भाई हम अपना कर रहे हैं हम तो दूसरे में जाके कुछ कु, कुछ वो नहीं कर रहे हैं। और जिस चीज पे जीवन के डेढ़ साल दे दिए हैं और जो करने से दस लोगों तक वो बात पहुंच सकती है जैसे अल्टीमेटली अगर मैं अपनी किताब आए और मैं किसी को नहीं बताऊं नहीं नहीं मैंने तो अपने लिए लिखी थी है ना वो है तो मैं उस लड़के या लड़की का वो चांस भी तो मिस कर रहा हूँ ना जिनके जिसकी माता ने इबन बतूती पढ़ने के बाद में उसको इतनी इमोशनल चीजें बताई वो भी तो एक मैं मौका मिस कर रहा हूँ ना इस दुनिया से या जैसे अगर आपकी किताब पढ़ के कोई ऐसा है वो अपने पता चला कि किसी के पिताजी पॉलिटिक्स में रहे और उन्होंने छोड़ दिया तो कम से कम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है आप शायद घर में वो बोलोगे अच्छा आपके समय में होता था अच्छा आप दिग्विजय सिंह के साथ में थे अच्छा आप इनके साथ में थे ये क्या था वो क्या था दुनिया आप लोगों ने ये क्यों नहीं किया आप वो सवाल पूछने के लिए इक्विप्ड होते हो ना जैसे मैं तो कई बार पहले जब बचपन में मुझे लगता था कि यार हम 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 ये सवाल क्यों नहीं पूछते अपने घर वालों से ये क्यों नहीं होते तो आप वो मौका भी तो छीन रहे हो ना मैं जैसे आप हर एक वो चीज जो कोई भी जैसे हम गोली नहीं चला रहे हम कोई नशे का सामान नहीं बेच रहे हम हर चीज हर अश्लील चीज सब दीवारों पे दिख रही है लिख के चौड़े कर करके मतलब जितना मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन बच्चों को कोडिंग सिखाने का से ज्यादा अश्लील चीज कोई नहीं हो सकती वो इतनी जोर जोड़ शोर से इस देश में रही है वो बुरा नहीं लग रहा लेकिन एक किताब में जिसमें 99 परसेंट कोई बुरी बात नहीं होगी है ना कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं होगी कोई आदमी बंदूक उठाए और जाके किसी को गोली मारे रंगदे बसंती नहीं होगा कुछ उसमें है ना तो तो ऐसी चीज को रोकने का क्या मतलब है कोई लॉजिक ही नहीं है ना मतलब उसको तो और मुझे लगता है कि ये हम लोग ना ये लड़ाई अब ऐसी है जैसे मैं इसको ना इस इस, पूरी लड़ाई को ऐसे देखता हूँ जैसे श्रीलंका जब नाइनटी में वर्ल्ड कप खेलने आई थी है ना तो इस श्रीलंका के किसी भी प्लेयर का नाम किसी को नहीं पता था वर्ल्ड कप से पहले इतने में किसी को वो स्ट्रेटेजी समझ में आती ना वो लोग वर्ल्ड कप जीत चुके थे वो हो गया था काम है ना तो मार्केटिंग नए राइटर्स का ना ऐसे ही है कि अब लोगों को लगता है कि अरे ये क्या ये तो हम नहीं कर सकते हम तो आप ये देखो ना कि हम अगर किसी दिन रड़तूंगा सोच लेता कि यार मैं जयसूर्या की तरह खेल लूंगा तो नहीं खेल सकता था ना तो जो पुराने लोग हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि अब ना समय के साथ तरीके बदलते हैं और लोग बहुत ओपन है और मैं एक चीज बड़े बड़े डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ और कहता भी हूँ कि हम लोगों ने जो मेहनत की ना उसमें जो नए सब लोगों ने इसकी वजह से पुराने का मार्केट बहुत अच्छा हुआ

आप अवेयरनेस तो आ गई ना उसकी मतलब एक लाख लोग जानते होंगे ना दस उसको के बारे में उसका एक वो रीडर आपको अपना फेयर शेयर मिल जाएगा लेकिन अब आई और कोई चीज हुई नहीं जंगल में मोर नाचा और किसी ने देखा ही नहीं तो वो भी तो कोई बात नहीं है ना या, तो या तो जंगल नहीं है या तो मोर नहीं है मोर नहीं है। बिल्कुल तो चूंकि हमारा समय समाप्त हो गया है और खत्म करने से पहले मैं दिव्य प्रकाश की तरफ से और मेरी तरफ से दोनों की तरफ से आपको एक बार बता हूं कि हम जब मार्केटिंग की अभी बात कर रहे हैं मार्केटिंग जो है ये बाद का प्रोसेस है ये पहला प्रोसेस नहीं है तो ये कई बार लोगों को धोखा होता है कि मार्केटिंग हम कर देंगे तो हमारी किताब बिकेगी कि आपकी किताब मार्केटिंग से कभी नहीं बिकती मेरे दोस्त आपकी किताब आप मार्केटिंग से लोगों को पता लग जाता है कि ये किताब भी है हमने कितने शोर मचाया हो लोगों ने हमारी किताब तब पढ़ी है जब चार लोगों ने कहा कि हमें पढ़ के मजा आया जब तक ये नहीं होता तब तक नहीं आता तो सिर्फ जब भी आप लिखें आप खुल के लिखें दिल से लिखें और ये ध्यान रखें कि कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका अच्छा होगा वो बिकेगा आप मार्केटिंग से लोगों को बता सकते हैं मेरी किताब है लेकिन वो बिकेगी तब जब उसको पढ़ने वाले लोग कहेंगे कि हाँ मुझे पढ़ के मजा आया अगर मैं इतने बतौती को बिना पढ़े आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ उसके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं ये तो चार लोगों के बताने की वजह से मेरा वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो ये जो है कॉन्टेंट के ऊपर आप फोकस करें और पढ़ें देव प्रकाश की पांच किताबें हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई मसाला चाय मुसाफिर कैफे अक्टूबर जंक्शन बतूती और पांचों के नाम एकदम एक साथ बताने के लिए मुझे फैन बैच मिलना चाहिए और मैं बता दू की नवीन की जो किताब है अब तो तो पता नहीं अब नहीं हो उधर नहीं कर रहा हैं अब हाँ, वो नहीं दिख पा रहा हूँ मैं तो ये जो है हमारी बिल्कुल तो हमारे दोनों की पढ़ा के छह किताबें आपके पास है आप ये छह किताबें पढ़ें और जल्दी सातवीं आठवीं किताब भी हम लोग लेके आ जाएंगे और विशाल इसके साथ ही मैं वापस आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ जी जी बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल हम लोग ऐसे ही लाइव सेशन कर रहे हो वहाँ पे थैंक यू सर थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑर लिटरेचर फेस्ट बाई एसडीआर नॉलेज फाउंडेशन We sincerely express our gratitude towards your acceptance for the session and knowledge shared with us. And I would also like to acknowledge our radio partner, Big FM. Thank you, sir. Thank you very much. Thank, Thank you very, very much. much. Bye. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. 20 years Two universities. Offering, offering 137 calls. I am the of institutions. institutions. A vision beyond. beyond.